नमस्कार। हम कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज़, जिसमें चैप्टर नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। चैप्टर 7 है प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और इसको आप शुरू से लेकर ध्यान तक समझिएगा तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन से इसके अंदर पूछे जाते हैं, और पेपर के लिए इस बार के लिए क्या क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि कौन से क्वेश्चन जो है इसके अंदर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं। पहले बात करेंगे हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। उसके लिए आप देखिए कि फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। ध्यान रखें आप, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। उसके लिए एक दो न्यूमेरिकल्स की हम बात करते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले इसमें वैल्यू आती है IRMS की, शॉर्ट में बात करेंगे। IRMS होता है I0/√2, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू। इसी तरह से IAverage, औसत मान पूछा जाता है तो वो होता है 2I0/π। ये बात वोल्टेज में भी पूछ ली जाती है, तो वोल्टेज में भी सेम इसी तरह से अप्लाई होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि इसका मैक्सिमम मान, इसको शिखर मान कहते हैं। I0 शिखर मान है, पीक वैल्यू। शिखर मान 10 एम्पीयर है, तो RMS मान बताओ, IAverage मान बताओ। ये दो बातें पूछ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं IRMS व IAverage में संबंध, रिलेशन, इन दोनों में क्या संबंध होता है, इन दोनों में संबंध क्या है वो हमें बताना पड़ेगा। इसके अंदर क्या संबंध होता है, कैसे निकालें। देखो दो इक्वेशन है सिंपल सी, एक इक्वेशन से आई नोट का मान निकाल लो, दूसरी में रख दो। यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से आई नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नोट इज इक्वल टू आ गया IRMS इंटू रूट टू। ये वैल्यू आई नोट में यहाँ रख दो, आई नोट की वैल्यू है ये, इसके अंदर रख दो आई नोट की वैल्यू, क्या आएगी IAverage एज इट इज 2/π एज इट इज, और आई नोट की वैल्यू रख दिया हमने √2 IRMS। इसका मतलब इतने टाइम्स मल्टीप्लाई क्या होता है इसकी वैल्यू होती है, ये दोनों में रिलेशन होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको आई नोट की वैल्यू दे दी, RMS पूछ लिया, या RMS दे दिया तो आई नोट पूछ लिया, ये इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आगे इसमें जो क्वेश्चन है वो किस तरह से इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि अगर प्रत्यावर्ती धारा का AC जो करंट है उसका मान शिखर मान से 0 होने में समय ज्ञात करो। कहाँ से, शिखर मान से 0 होने में समय बताओ। तो इसका समय कैसे बताएंगे, अब इसके लिए क्या दे दिया, यदि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज़ है, तो अपने को क्या पता हो, अपने को पता हो भी शिखर से मैक्सिमम से 0 कब होता है। अगर हम कोई भी वेव लेते हैं तो इस तरह से वो क्या करती है, एक साइकिल इस तरह से उसका पूरा होता है। इस साइकिल को पूरा होने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल T आवर्तकाल। अब ये इसका मैक्सिमम मान है, यहाँ से चाहे इधर की वैल्यू ले लो चाहे इधर की वैल्यू ले लो, यहाँ तक ये 0 हो जा रहा है, तो ये इसका कितना पार्ट है, ये देखें तो आधी वेव हो गई, और इस आधी की भी आधी है, इसका मतलब कितनी वेव हो गई है, T/4। तो कितना समय लगेगा, T/4। अब पहले T निकालें फिर उसका 1/4 निकालें, तो अपने पास F की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50, और F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/T = 50। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, 50, इधर आ जाएगा 1/50। अब यहाँ पर जो हमें जो समय निकालना है वो क्या है, इस T का भी 1/4 है, तो क्या हो जाएगा 1/4 × 50, तो कितना हो गया 1/200। इसको डिवाइड कर दो 0.005 सेकेंड, जो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरा, एक औसत धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना आप, औसत धारा से रिलेटेड, एवरेज करंट जो होता है उससे रिलेटेड क्या पूछा जाता है, कि एवरेज करंट औसत धारा का जो पूरे चक्कर का औसत मान बता दो, या आधे चक्कर का बता दो। तो आधे चक्कर का तो क्या होता है, जो हमने ऊपर अभी बात किया, IAverage इज इक्वल टू 2I0/π। अगर इसमें पूछे ऋणात्मक आधा चक्कर, तो जैसा जैसा ये पॉजिटिव साइकिल है वैसे ही नेगेटिव साइकिल है, तो अगर ऋणात्मक का लेंगे तो क्या आएगा, -2I0/π, और जब पूरे चक्कर का लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। इसीलिए कंप्लीट अगर साइकिल की बात की जाए तो कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है औसत धारा के लिए। ये आप हमेशा ध्यान रखना, पूरे साइकिल के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। एक ही क्वेश्चन इसमें से बहुत बार पूछा जाता है।
अब बात आती है संधारित्र से और प्रेरण कुंडली से रिलेटेड क्वेश्चन। कैपेसिटर से रिलेटेड और कॉइल से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ग्राफ से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो ये आप फॉर्मूला ध्यान रख लेंगे, एक फॉर्मूले से पता चल जाएगा। देखो इसकी तो संधारित्र की प्रतिघात, प्रतिघात का मतलब होता है प्रतिबाधा, प्रतिघात कह दो या प्रतिबाधा कह दो, एक्चुअल में प्रतिरोधी होता है। इसको एक्स सी से लिख देते हैं, वन अपॉन ओमेगा सी। इसके लिए इस वैल्यू को लिखते हैं एक्स एल इजिकल टू ओमेगा एल। बस इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इनसे आने वाले सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएंगे और इनसे क्वेश्चन आ सकता है। इस बार क्या होगा, इसकी बात करें एक्स सी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ओमेगा, एक्स एल होता है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ओमेगा। एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि इनमें ग्राफ बनाओ, तो ये ग्राफ बन जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, बट इनका ग्राफ ऐसे आता नहीं है, जनरली ऐसा ग्राफ इनका पूछा नहीं जाता है। इनका ग्राफ जब पूछा जाएगा तो कैसे, एफ की फॉर्मेट में पूछ लिया जाएगा, उसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ से इसको लिखेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा की वैल्यू वन अपॉन टू पाई एफ हो जाएगी। इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा की वैल्यू क्या है, टू पाई एफ है। इसका मतलब यही बात एक्स सी जो है वो क्या हो रहा है, एफ के व्युत्क्रमान पाती है, या एक्स सी जो है वो एफ के समान पाती है। बट अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, ये जो कर्व बना है एक्स सी और एफ में कर्व है, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा और क्या कहा जाएगा, और कहा जाएगा कि आपको एक्स सी व वन अपॉन एफ में ग्राफ बनाओ। इसका मतलब एफ अलग से नहीं है, वन अपॉन एफ सिंगल क्वांटिटी है, सिंगल क्वांटिटी है, तो वन अपॉन एफ में कर्व लेना, यानी जो एफ की वैल्यू उसको वन में डिवाइड करना, जो आंसर आएगा उसके साथ कर्व है। इसका मतलब वन अपॉन एफ इज ए सिंगल क्वांटिटी। तो अगर इस सिंगल क्वांटिटी को अगर हम देखें, यहाँ से देखें जो हमने ये लिखा था, ये रहा, इसके अंदर देखें तो इस पूरे को एक ही क्वांटिटी ले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। इसका मतलब इसका जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अगर f की बात करें तो अलग है, अगर यहाँ ये ब्रैकेट लगते ही चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाएगी, ध्यान रखना वन अपॉन एफ है, ठीक है। इसी तरह इसको भी उल्टा कर दिया जा सकता है कि एक्स एल और वन अपॉन एफ में ग्राफ बनाओ, एक्स एल और वन अपॉन एफ में, तो एक्स एल वन अपॉन एफ में, एक्स एल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कैसे लिखे इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन एफ, तो ये एफ ऊपर जाएगा, तो एक्स एल क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एफ हो गया। तो इसका जो कर्व है सिंपल, जनरली आप वैसे ही ध्यान रख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है तो न्यूमेरिकल भी आप बता सकते हो एक्स एल इजिकल टू ओमेगा एल से, एक्स इजिकल टू वन अपॉन ओमेगा सी से, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो ये इनसे अपने, तो ये दो तीन बातें हमने जो की हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो है अनुनाद, अनुनाद से क्वेश्चन आता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है देखो एल सी आर, एल सी आर इसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है एल सी आर, और ये टॉपिक दोनों के लिए है, फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑल्सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है टॉपिक में। अब इस पे आते हैं, वन टू वन बात करते हैं क्या क्या आ सकता है इसमें। सबसे पहली बात तो इसमें जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आएगा इसके लिए प्रतिबाधा का मान, प्रतिघात के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, किसके लिए, एल सी आर के लिए। तो इसके लिए प्रतिघात होती है जेड, और जेड की वैल्यू आती है अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर। इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना हो तो इसी चैनल पर आपको डे वन से लेकर डे टू वन टू 212 तक की क्लासेस इसके अंदर पहले दो साल पहले अपडेट की गई थी, वो सारी क्लासेस अवेलेबल हैं वहाँ, इनके सारे डेरिवेशन अपने को समझने हो तो मिल जाएंगे, अदरवाइज आपके पास लिखे हैं तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो और साथ में इसका फेजर डायग्राम, कला ग्राफ जो है वो, जो इस तरह का कर्व बनता है वो कर्व आपको इसके अंदर बनाना है, जिसमें एक्स एल एक्स सी लेते हैं और इस तरह का एक कर्व आता है और वो कर्व इसके अंदर शो करना है। ये तो इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बात आती है। दूसरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर यहाँ से ये बात पूछ ली जाती है कि आपको आर एल सी की वैल्यू दे दी तो जेड की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह देंगे। जेड की वैल्यू आ जाएगी तो करंट की वैल्यू पूछी जा सकती है। करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वी की जगह आर की जगह क्या आ जाएगा, आर की जगह जो यहाँ से आंसर आएगा तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन
जेड, ये इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आता है इसके लिए अनुनाद। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर पूरे चैप्टर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस, अनुनाद। अनुनाद होता क्या है, ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी तो हमें इनसे आने वाले सारे न्यूमेरिकल सही हो जाएंगे। अनुनाद होता क्या है एक्चुअल में, कि जब LCR परिपथ में, किसके लिए, ये LCR परिपथ के लिए, LCR परिपथ में जब C के लिए संधारित्र के लिए प्रेरणी घात, प्रेरकीय घात और प्रेरण कुंडली के लिए प्रेरकीय घात दोनों बराबर हो, अगर ये दोनों बराबर है तो इसके अंदर जो देखें जो हमने ऊपर लिखा था, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये तो जीरो हो गया ब्रैकेट का मान, ये अंदर क्या बचा √R², √R² को बाहर निकालेंगे तो जेड आ जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू आ जाएगा R, और ये इसका सबसे न्यूनतम मान होता है, जेड मिनिमम लिखते हैं इसको। अब जेड मिनिमम है यानी प्रतिरोध मिनिमम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो गया तो वो क्या होगा, क्या लिखेंगे, वी अपॉन जेड मिनिमम, और यही क्या है, ये अनुनाद की परिभाषा। अब इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने सिंपल जो हमने लिखा है इस फॉर्मेट में इसको बता सकते हैं क्या, कि LCR परिपथ में जब XC और XL यानी प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात ये दोनों अगर बराबर हैं तो उस स्थिति में प्रतिरोध न्यूनतम होता है और करंट का मान अधिकतम हो जाता है, इस स्थिति को रेजोनेंस या अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अब क्वेश्चन दो और भी बनते हैं कि न्यूनतम अधिकतम धारा कब होती है, जब XC और XL बराबर होते हैं, ठीक है, उस समय प्रतिरोध क्या होता है, न्यूनतम होता है, किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आपको R का, C का, L का ये सारी वैल्यूज दे रखी है और आपको ये एक चीज़ लिख दी सेंटेंस के अंदर कि LCR सर्किट है ये, उसके अनुनाद की स्थिति में आपको ज्ञात करना धारा का मान, तो हमें जेड में फॉर्मूले में नहीं लगानी है सारी, जो ऊपर फॉर्मूला हमने लिखा है इसके अंदर सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करनी है, वहाँ एक अनुनाद वर्ड आ गया और हमें चेक भी नहीं करना है इसको, अगर अनुनाद वर्ड आ गया इसका मतलब XC और XL बराबर है चाहे हो नहीं हो, लेकिन अगर लिखा है इसका मतलब हम बराबर लेके चलना है, हमें तो जेड इज इक्वल टू आर पुट करना है और डायरेक्ट आंसर निकालना है, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसा ही आएगा, ध्यान रखिए आप इसे। अब देखो जब XL और XC बराबर हो गए तो आगे की क्या क्या कंडीशन हो जाएगी, XC इज इक्वल टू XL बराबर है, और XC की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/ωC, और ये जो वैल्यू है वो क्या है, ओमेगा L, ओमेगा इधर जाएगा L इधर आ जाएगा, तो क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC और ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/√LC, ये हो गया, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 2πf के, 2πf इज इक्वल टू 1/LC, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√LC, ये फ्रीक्वेंसी होगी, अनुनादी आवृत्ति आ गई। यहाँ से ये डेरिवेशन पूछ लेते हैं कि अनुनाद को परिभाषित कीजिए और इसकी अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, एक तो ये पूछ लिया जाता है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें इसमें तो इसमें आते हैं बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई के लिए व्यंजक, ठीक है, एक टॉपिक है इसके अंदर क्वालिटी फैक्टर के लिए व्यंजक, उसको आप कर लें अच्छी तरह से, विशेषता गुणांक जिसको कहते हैं, क्यू फैक्टर भी कहते हैं उसको, उसके लिए व्यंजक, इनको भी आप साथ में क्या कर लें, सॉल्व कर लें। अब बात करते हैं इसके अंदर और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से, अनुनाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से अब आता है इसके अंदर क्वेश्चन न्यूमेरिकल या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो, उसके लिए आप ज़रूर ध्यान रखें। क्वालिटी फैक्टर देखो विशेषता गुणांक होता है, विशेषता गुणांक जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अब इसका जो कर्व है आवर्ती का और धारा के साथ ग्राफ भी पूछ लेते हैं, आवर्ती और धारा के साथ ग्राफ, तो इधर तो ले लिया हमने क्या आवर्ती और इधर ले ली धारा, तो इसके साथ जब कर्व लेते हैं LCR सर्किट के लिए तो इस तरह का कर्व आता है, इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर धारा का मान मैक्सिमम हो जाता है, आई मैक्सिमम है ये, और इस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोल देते हैं अनुनादी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक टॉपिक इसमें अर्धशक्ति बिंदु है, तो इसके दोनों ओर देखो सेम कर्व आ रहे हैं, सेम कर्व आ रहे हैं, तो दोनों ओर दो बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ पर इसकी शक्ति जो है वो, पावर जो है वो आधी हो जाती है, इसलिए इन बिंदु को अर्धशक्ति बिंदु कहते हैं। इन दोनों के लिए जब हम एक्स एक्सिस भी लेते हैं तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच की जो चौड़ाई है उसी को बैंड चौड़ाई कहते हैं, यानी बैंड विड्थ क्या है, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी विड्थ है वो, फ्रीक्वेंसी विड्थ किसकी, अर्धशक्ति बिंदुओं के अंतर्गत जो जो फ्रीक्वेंसी पॉइंट होते हैं, जो आवर्ती बिंदु होते हैं, उन आवर्तियों के मध्य का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं बैंड विड्थ, उसके लिए हमें फॉर्मूला डेराइव करना होता है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, देखो अब बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर की, क्वालिटी फैक्टर बताता है ग्राफ की तीक्ष्णता के बारे में कि ग्राफ कितना तीखा है, यानी ग्राफ में एक्यूरेट पॉइंट कितना आ रहा है। अगर देखो ये ग्राफ ऐसा है तो इसमें पता नहीं चलेगा ना यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, कहाँ मैक्सिमम, ये ग्राफ ऐसा है
इसमें तुरंत पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है। इसका मतलब इसकी तीक्ष्ण, इसके लिए क्यू क्या है, इसके लिए क्यू ज़्यादा है, और इसके लिए क्या है कि क्यू, इसके लिए क्यू कम है। तो जिसके लिए क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है उसके लिए तीक्ष्णता का मान ज़्यादा होता है। तीक्ष्णता का मान ज़्यादा होने का फायदा क्या है, ज़्यादा फायदा क्या है इसका, इसकी जो अनुनादी आवृत्ति है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अनुनादी आवृत्ति को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ये इसका फायदा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो इसका रिलेशन किसके साथ है, यहाँ से ध्यान रख लें आप, इसका रिलेशन है आर के साथ, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का। और क्वालिटी फैक्टर से क्या पता चलता है, क्वालिटी फैक्टर से पता चलता है अनुनादी आवृत्ति और क्या, तीखापन। तो जिस ग्राफ में तीक्ष्णता ज़्यादा होगी उसका क्यू ज़्यादा होगा, और क्यू जिसका ज़्यादा उसके लिए आर क्या होगा, कम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसकी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछे जाते हैं, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, और एक कर्व ये है, ये तीन कर्व बना दिए, यहाँ लिख दिया आर वन, यहाँ लिख दिया आर टू, और यहाँ लिख दिया आर थ्री। अब आपको ये लिखा गया है आर वन आर टू आर थ्री के मान बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो। अब कैसे लिखेंगे हम इसको, बढ़ते घटते क्रम में। अब अपने को देखना है कि इसके लिए तीक्ष्णता कम है, इसके लिए और ज़्यादा है, इसके लिए और ज़्यादा है। जिसके लिए सबसे ज़्यादा है इसके लिए, इसका मतलब क्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, क्यू की वैल्यू, ठीक है, ज़्यादा है। अब क्यू की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा है उसके लिए आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ के यहाँ से देखें तो जिसके लिए क्यू की वैल्यू ज़्यादा उसके लिए आर की वैल्यू कम होगी, तो इसके लिए आर की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब सबसे कम आर कौन सा है, आर थ्री है, उससे ज़्यादा आर टू है, उससे ज़्यादा आर वन है। इसका मतलब आर वन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उससे कम है आर टू की वैल्यू, उससे कम है आर थ्री की वैल्यू। तो आपको घटते क्रम में बढ़ते क्रम में जैसे भी कहा जाए वैसे आपको पूछा जा सकता है। और इस तरह के जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें इसके अंदर। अब बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की, तो हमने बात कर ली बड़े क्वेश्चन में, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। एलसीआर पढ़ लें आप, एलसीआर के अनुनादी जो हमने बात की ये पूरा पढ़ लें, ठीक है। उसके अलावा बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर, इन टॉपिक्स को पढ़ लें। ज़्यादा से ज़्यादा एक संधारित्र वाला टॉपिक और कर सकते हैं कि शुद्ध संधारित्र युक्त परिपथ जो है वो, उससे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको इनमें से कंप्लीट मिल जाएंगे, इनको बेसिक आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसकी जो PDF है उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगी। मेरा माइक थोड़ा ख़राब हो गया है इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो शायद इसी तरह से पेपर पे ही ये थोड़ा सा सोल्व करके हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी अपडेट कर दी जाएगी, चैप्टर नंबर 8 की एग्ज़ाम जो है वो जल्दी आ रहे हैं, 20 तारीख को है। कोशिश करेंगे मैक्सिमम वीडियो को अपलोड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कर दें, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़ते रहें, रिवाइज़ करते रहें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे भी समय मिलेगा वैसे कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। अदरवाइज़ आप इसको रिवाइज़ कर लें, और इसके जो PDF है वो डाउनलोड करनी हो तो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड अगर इनकी डिटेल आपको पढ़नी है तो इन डिटेल को पढ़ने के लिए इसी चैनल के ऊपर 2 साल पहले मैंने सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, उसके अंदर जाके आपको टॉपिक वाइज पूरे के पूरे डेरिवेशन, कैलकुलेशन, कंसेप्ट, डेफिनेशन सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। डे वाइज क्लासेज मिलेगी और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें आप, और जो भी 12th में पढ़ रहे हैं उन वहाँ तक भेज सकते हैं तो भेज दें, ताकि किसी की हेल्प हो तो बेटर है। और क्वेश्चन जो है वो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे, हर चैप्टर के अंदर 5-5, 7-7 क्वेश्चन को थोड़ा समझ के करेंगे तो बहुत बेटर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो।